वेस्टर्न स्टाइल पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें 2 से 3 मैंने लविंग डाली है, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 चम्मच इसमें हमने जीरा डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए, छोटे प्याज लिए हैं मैंने, और अब इन्हें 5 मिनट तक हमें अच्छे से फ्राई करना है, हल्का सा इनका रंग जो है वो गोल्डन हो, तब तक हमें इसे धीमी आंच पे ही पकाना है। ध्यान रखें आंच को तेज ना करें। अब 1 टेबलस्पून इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही हमारा जिंजर गार्लिक अच्छे से भून जाएगा हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इन मसालों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। धीमी आंच पे ही हम इन मसालों को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके साथ ही साथ अब हम इसमें बेसन डाल देंगे, तो 1 छोटा चम्मच बेसन का डाल देती हूँ मैं, इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया और स्मूथ बनेगी। अब 2 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे इसे भून लेंगे। तो मसाले हमारे जले नहीं इसलिए हमने थोड़ा सा 1/2 कप पानी इसमें डाल रहे हैं, तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। दोस्तों हम ये जो ग्रेवी बना रहे हैं इसमें हम घर में अवेलेबल चीज़ों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ना हम क्रीम डाल रहे हैं ना हम काजू का पेस्ट डाल रहे हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट हमारा जो है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बन के तैयार हो जाएगा। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप टमाटो की प्यूरी, साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। अब हमें टमाटर को अच्छे से भूनना है जब तक कि ये जो मसाला है हमारा पूरा जो ऑयल छोड़ने ना लगे, तब तक हमें टमाटर को भूनना है। तो 5 मिनट के लिए ढक के इसे धीमी आंच पे पकने देते हैं। ये देखिए चारों तरफ से ऑयल निकल गया है, मतलब हमारा जो मसाला है वो बहुत ही बढ़िया से भून चुका है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें हमें थोड़ी सी और ग्रेवी ऐड करनी है, तो उसके लिए हमने 1/2 कप वार्म वाटर डाल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी डालना अच्छा रहता है। तो 1/2 कप पानी लिया है मैंने, उसको अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया और उसके बाद हम अब इसमें हमारे पनीर ऐड कर लेते हैं। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, हल्के से इसको बहुत अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और अब 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि मसाले के जो टेस्ट है स्वाद है हमारे पनीर में अच्छे से आ जाए। ये देखिए हमारी जो पनीर मसाला है ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें हम थोड़ी सी शुगर 1 चम्मच शुगर डाल रहे हैं, हल्की सी मिठास जो होती है वो हमारे पनीर मसाला में आने के लिए, और साथ ही साथ कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो बस बहुत ही इजी घर में अवेलेबल चीज़ों से हमने एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला बना दिया है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।